गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे अपना पहला अध्याय जो कि है व्यवसाय, उसकी प्रकृति एवं उद्देश्य, यानी कि बिजनेस नेचर एंड ऑब्जेक्ट्स। सो ये चैप्टर अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। आज अपनी स्टार्ट होती है रिवीजन क्लासेस, क्योंकि अपना कोर्स पूरा हो चुका है। तो आज से अपन हर चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिनके बिहाफ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन के बेस पर आपका एग्जाम पेपर बनेगा और एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे। सो अपन देखते हैं अपना इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन। सो सबसे पहले होता है हमारा व्यवसाय की प्रकृति और उसका उद्देश्य। तो ये तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं वीडियो में कि व्यवसाय का सीधा सा मतलब होता है व्यस्त रहने की अवस्था। यानी कि व्यस्त रहने की अवस्था से मतलब है कि कोई भी व्यक्ति है जो व्यवसाय को संचालित कर रहा है, तो दिन प्रतिदिन के कार्यों में वो क्या करेगा, वस्तुओं का क्रय विक्रय करेगा। और वो क्रय विक्रय भी कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन आज क्रय विक्रय कर रहे हैं, कल नहीं करते हैं, फिर नहीं करते हैं, फिर करते हैं। तो व्यस्त रहने की अवस्था से मतलब है वस्तुओं का जो बिजनेस है, व्यवसाय है, क्रय विक्रय है, वो कंटिन्यू और निरंतर होना चाहिए। उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, व्यवसाय है। अब यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन बनता है कि आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं और उनमें कौन कौन सा अंतर होता है। तो ये बनता है आपका पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि आर्थिक क्रियाओं से आते ऐसी क्रियाओं से होता है जिनका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, धन कमाना होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है वो व्यवसाय करता है, तो वो उसका उद्देश्य क्या रहता है कि मुझे तो लाभ कमाना है, और इसीलिए वो करते हैं व्यवसाय। तो आर्थिक क्रियाओं का मतलब वो ऐसी क्रियाओं से होता है जिनका प्रमुख उद्देश्य होता है लाभ कमाना होता है, और लाभ कमाने के उद्देश्य से ही जो क्रियाएं संचालित की जाती हैं उनको हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। दूसरी चीज़ अपन देखें कि गैर आर्थिक क्रियाएं, तो गैर आर्थिक क्रियाओं से आते उन क्रियाओं से होता है जिनका उद्देश्य क्या रहता है, धन कमाना उद्देश्य ना होकर समाज की सेवा करना, किसी से देशभक्ति में या किसी से प्रेम भाव में, या फिर कोई रिलेटिव्स हैं उनसे घनिष्ठता के संबंध में, तो इस प्रकार से जो क्रियाएं की जाती हैं उनको हम गैर आर्थिक क्रियाएँ कहते हैं। सो आपको समझ में आ गया होगा कि अपनी आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। अब अपन देखते हैं कि इनमें कौन कौन से अंतर होते हैं। तो सबसे पहला होता है इनका आशय क्या है। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है, धन कमाना होता है। बजाय अपन देखें कि जो हमारी गैर आर्थिक क्रियाएं होती हैं वह धन कमाने के उद्देश्य से संचालित ना की जाकर एक विशिष्ट भावना, यानी कि किसी के सहयोग से, किसी के परस्पर प्रेम या समर्पण के हिसाब से जो क्रियाएँ की जाती हैं उनको अपन क्या कहते हैं, वो हमारी गैर आर्थिक क्रियाएँ हैं। दूसरा अपन देखें कि धन कमाने का साधन होती हैं और गैर आर्थिक क्रियाएं धन कमाने का साधन नहीं होती हैं। अब कोई भी व्यक्ति है व्यवसाय संचालित कर रहा है, तो उसका क्या उद्देश्य रहता है कि हमें धन कमाना है। यानी कि जो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं वह धन कमाने का साधन मानी जाती हैं, क्योंकि इसके माध्यम से अपन को क्या मिलती है, मुद्रा प्राप्त होती है और हमारा व्यवसाय आगे संचालित होता है। दूसरी चीज़ अपन देखें कि जो हमारी गैर आर्थिक क्रियाएं होती हैं वह किसी की सेवा भावना, आत्मसंतुष्टि या समर्पण के सहयोग के लिए की जाती हैं, इसीलिए धन कमाने का साधन नहीं मानी जाती हैं। तीसरी चीज़ अपन देखें कि इनका मापदंड क्या होता है। तो जो हमारी आर्थिक क्रियाएँ हैं उनका मापदंड मुद्रा होता है, अर्थात उनको अपन मुद्रा के द्वारा ही माप सकते हैं। जब अपन किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, तो हमें मुद्रा प्राप्त होती है। दूसरी चीज़ अपन देखें कि गैर आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं उनसे हमें आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है, यानी कि इसमें मुद्रा तो प्राप्त नहीं होती है, बट हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे व्यवसाय करने के द्वारा या मेरी क्रियाएँ करने के द्वारा किसी का अच्छा और भला हो रहा है, तो इसमें हमें आत्म अनुभूति अर्थात आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है, जबकि इसका मापदंड हम मुद्रा के द्वारा लेते हैं। अब अपन देखते हैं कि आर्थिक क्रियाओं में व्यापार, पेशे और रोजगार इसके अंतर्गत आती हैं, जो कि अपन ने अपनी जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था इनको डिटेल में पढ़ा था कि किसी भी प्रकार का व्यापार करना। पेशे का मतलब होता है कि किसी के अंतर्गत अपन, जैसे कि अपन ने कोई प्रैक्टिस कर ली और उसके अकॉर्डिंग अपन ने खुद का अपना बिजनेस चला लिया, उसको हम पेशे के अंतर्गत कहेंगे। और रोजगार का मतलब होता है पढ़े लिखे होकर दूसरों के यहाँ पर क्या काम करना। अब चाहे वो छोटा भी काम हो सकता है, बड़ा भी काम होता है, वो रोजगार की श्रेणी में आता है। तो व्यापार, पेशा और रोजगार इसके भाग कहे जाते हैं आर्थिक क्रियाओं के, जबकि गैर आर्थिक क्रियाओं में आती है हमारी देशभक्ति, सेवा भावना, प्रेम, समर्पण, ये सारे इसके अंतर्गत आती हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है कि आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं क्या हैं और आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। अब अपन देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। अब अपन देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, जो कि है व्यापार का अर्थ एवं उसकी विशेषताएं
कौन कौन सी होती हैं। सो पहले भी अपन जान चुके हैं कि व्यापार का मतलब क्या होता है, व्यस्त रहने की अवस्था, यानी कि इसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, जो हमारी वस्तुएं रहती हैं और हमारी सेवाएं रहती हैं उनका जो अपन क्रय विक्रय करते हैं वो कंटिन्यू करते हैं। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए अपन नॉर्मली देखते हैं कि अगर हमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय संचालित करना है तो हम ऐसा तो करते नहीं है कि हमने आज व्यापार कर लिया फिर उसको बंद कर दिया फिर संचालित कर लिया फिर बंद कर दिया। यानी कि जो वस्तुएं और सेवाएं रहती हैं उनका जो क्रय विक्रय किया जाता है वो कंटिन्यू और निरंतर ही किया जाता है। जैसे आपके पास कोई ज़मीन थी, आपने उसको आज खरीद लिया और कल के दिन उसको बेचकर आपने प्रॉफिट गेन कर लिया, तो वो व्यापार की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि आप जो है वो आप किसी भी ज़मीन का जो क्रय विक्रय है वो निरंतर तो कर नहीं रहे हैं। जब भी आपको पैसों की आवश्यकता हुई तब जाके आपने वो क्रय विक्रय कर लिया। तो सीधी सा मतलब व्यापार का मतलब होता है वस्तुओं और सेवाओं का ऐसा क्रय विक्रय जो कंटिन्यू हो, जिसमें लाभ की प्राप्ति हो, उसको अपन कहते हैं कि वो व्यापार है। अब अपन देखते हैं इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहला होता है एक आर्थिक क्रिया। सीधी सी बात है कि व्यापार को एक आर्थिक क्रिया क्यों कहा गया है, कि कोई भी व्यक्ति है जो व्यापार को संचालित कर रहा है तो उसका प्रमुख उद्देश्य रहता है कि मुझे लाभ प्राप्त करना है, यानी कि अर्थ यानी कि धन कमाना है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति है अगर वो इस प्रकार का व्यवसाय करता है कि उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होकर कुछ भी कार्य करना है तो वह व्यापार की श्रेणी में नहीं आएगा। इसीलिए व्यापार को माना जाता है कि वो क्या है, एक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज़ होती है विक्रय, हस्तांतरण एवं विनिमय। जैसा कि अभी डेफिनेशन में अपन ने जाना कि जो आर्थिक क्रियाएं होती व्यापार होता है उसके अंतर्गत वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। हस्तांतरण का मतलब होता है वस्तुएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती हैं। विनिमय का मतलब भी यही होता है कि अपनी आवश्यकता की वस्तुएं व्यक्ति खरीदते हैं और अपन अपनी आवश्यकता होती है पैसों के लिए इसलिए अपन उनको बेचते हैं। तो इसके अंतर्गत विक्रय, हस्तांतरण और वस्तुओं का विनिमय होता है। तीसरी चीज़ देखें, वस्तुओं और एवं सेवाओं का लेन देन। अब क्या होता है, वस्तुएं तो ऐसी होती हैं जिनको अपन कैजुअली देख सकते हैं क्योंकि अपन उपयोग करते हैं, कौन सी चीज़ किस आकार की है किस क्वालिटी की है, तो वस्तुओं का लेन देन तो व्यापार में होता ही होता है। साथ ही साथ सेवाओं का मतलब होता है, जैसा कि अपन पेशे और रोज़गार में पढ़ते हैं, डॉक्टर हुआ, वकील हुआ, CA CS, इन सब की सेवाएँ भी अपन व्यवसाय के अंतर्गत लेते हैं। कोई टैक्स का, इनकम टैक्स का कंसल्टेंट लेना है अपन को, या अपन बीमार हैं तो अपन को डॉक्टर की सेवाओं की ज़रूरत होती है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं दोनों ही प्रकार का लेन देन व्यवसाय के अंतर्गत किया जाता है। चौथा होता है लेन देन में नियमितता। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि व्यापार के अंतर्गत अगर अपन वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं तो लेन देन में नियमितता होनी चाहिए, यानी कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर अपन लेन देन व्यापार में ऐसे करते हैं कि एक महीने दुकान खोलकर दूसरे महीने बंद कर दो तीसरे महीने चालू कर दो तो उसको हम व्यापार की श्रेणी में लेंगे ही नहीं। इसीलिए इसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का जो लेन देन है वो निरंतर होता है, यानी कि दिन प्रतिदिन अपन दुकान खोलते हैं, बाई चांस कोई बीमारी हो या फिर कोई अपनी कंडीशन बन जाती है तो व्यापार को रोक सकते हैं अपन, लेकिन बाई चांस अपन को ऐसा नहीं करना है, अपन को व्यवसाय निरंतर करते रहना है। पांचवी चीज़ होती है लाभ प्राप्ति। तो व्यवसाय की सबसे बड़ी विशेषता होती है लाभ को प्राप्त करना। आप किसी भी प्रकार के वस्तुओं का क्रय विक्रय कर रहे हैं तो आपको लाभ प्राप्त होना ही चाहिए, क्योंकि जब लाभ प्राप्त होगा तब जाके आप अपने व्यवसाय को बढ़ा सकेंगे तो उसके बाद ही हम और आगे की क्रियाओं को सही प्रकार से संचालित कर पाएंगे। तो लाभ प्राप्त करना अर्थात वस्तुओं का क्रय विक्रय करके जो प्रॉफिट गेन करना है वह व्यापार की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। तो इस प्रकार अपना सेकेंड क्वेश्चन कि व्यापार का अर्थ और उसकी विशेषताएँ क्या हैं यहीं पर पूरा होता है। अब अपन देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन जो कि है व्यवसाय की प्रकृति को समझाइए। तो ये अपन पहले भी जान चुके हैं कि व्यवसाय की प्रकृति के अंतर्गत दो प्रकार की प्रकृति होती हैं इसकी, एक कला होती है और दूसरी होती है विज्ञान। अब यूँ कह सकते हैं कि व्यवसाय या तो कला है या फिर विज्ञान है, या फिर कला और विज्ञान दोनों हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि व्यवसाय विज्ञान क्यों है। तो विज्ञान के बारे में तो आप अपने 9th में और 10th में जो आप अपने साइंस पढ़ी होगी तब आप जान चुके होंगे कि विज्ञान का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का अध्ययन जो होता है वह एज इट इज क्रम बाय क्रम किया जाता है, यानी क्रमानुसार पहले एक चीज़ का अध्ययन होगा फिर दूसरी चीज़ का अध्ययन होगा फिर तीसरी चीज़ का अध्ययन होगा। तो एज इट इज होता है हमारे व्यवसाय में, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी चीज़ की रूपरेखा यानी कि प्लानिंग बनानी पड़ती है, फिर संसाधनों को जुटाना पड़ता है, लोगों को काम सौंपना पड़ता है और तब जाके हमारा प्रोडक्शन होता है, फिर एडवर्टाइजमेंट सेलिंग, यानी कि प्रत्येक काम क्या किए जाते हैं, क्रम के अनुसार ही किए जाते हैं। अपन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि डायरेक्ट प्रोडक्शन करके और माल की सेलिंग कर दें,
मान लो प्रोडक्शन अपन को किस क्वालिटी का करना था, कितना करना था, अगर उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी और जाके आपने डायरेक्ट सेलिंग कर दी यानी कि विक्रय कर दिया, तो उससे भी हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो विज्ञान कहने का मतलब है व्यवसाय को कि इसके अंतर्गत जो तथ्यों का अध्ययन किया जाता है यानी कि जो कार्य किए जाते हैं वह क्रमानुसार किए जाते हैं। पहले कौन सा काम होगा कि प्लानिंग होगी, फिर उसके बाद संसाधनों को जुटाएंगे, फिर हम कार्यों को सौंपेंगे, फिर हम प्रोडक्शन करेंगे, फिर विज्ञापन होगा, पैकेजिंग होगी और उसके बाद में सेलिंग होगी। तो अपन कह सकते हैं कि व्यवसाय क्या है, एक विज्ञान है, यानी कि तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जो भी सिद्धांत लागू होते हैं जैसे कि अनुशासन का सिद्धांत होता है, क्रमानुसार चीज़ों का अध्ययन होता है, मजदूरी प्रणाली जो आप अपनी नेक्स्ट क्लास 12th में पढ़ेंगे, तो वैसे ही सिद्धांत जो होते हैं व्यवसाय के वह व्यवसाय में लागू होते हैं। तो तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन हो गया, सिद्धांतों का प्रतिपादन इसमें किया जाता है। साथ ही साथ अब अपन देखें कि विज्ञान के जो भी नियम होते हैं वह संपूर्ण समाज में, संपूर्ण देश में लागू होते हैं, वैसे ही होते हैं हमारे व्यवसाय के कुछ सिद्धांत होते हैं वह सारे व्यवसायों में ही लागू होते हैं। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जो एक व्यवसाय है वह विज्ञान है। अगर आप वहीं बात करें कि व्यवसाय जो क्या है, एक कला है या नहीं है, तो कला का सीधा सा मतलब होता है, कला से अपन अर्थ निकाल सकते हैं कि किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित करने का तरीका। अगर अपन माने कि कोई भी व्यक्ति है जो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है तो वह प्रत्येक काम को क्या करता है, सुव्यवस्थित तरीके से करता है, तब जाके अपन कह सकते हैं कि वो अच्छा आर्टिस्ट है। वैसे ही व्यवसाय है, एक कला ही अपन कह सकते हैं और कहना भी चाहिए, क्योंकि व्यवसाय के अंतर्गत भी प्रत्येक कार्य को सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से किया जाता है। पहले प्रत्येक कार्य की एक प्रॉपर प्लानिंग बनाई जाती है, प्लानिंग बनाने के बाद ही प्रत्येक कार्य को अच्छे तरीके से किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि व्यवसाय एक कला है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि व्यवसाय को कला कहें या विज्ञान कहें, तो व्यवसाय को अपन कला और विज्ञान दोनों ही कह सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग तो इसमें भी होती है कार्य को करने की और योजना इसमें भी बनाई जाती है, सुनियोजित तरीके से कार्य इसमें भी किया जाता है और प्रॉपर तरीके से कार्य इसमें भी किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि व्यवसाय जो है वह कला और विज्ञान दोनों का ही सम्मिश्रण होता है, अर्थात कला में जो कार्य किए जाते हैं अर्थात सुव्यवस्थित रूप से कार्य किया जाता है और विज्ञान में भी तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन यानी कि क्रमानुसार कार्य किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि व्यवसाय एक कला और विज्ञान दोनों ही माना जाता है। तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में अपन केवल 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे कि अपन ने व्यवसाय की विशेषताएं पढ़ी है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं क्या है, उनमें क्या अंतर है वो पढ़ा है, और अपन ने जाना कि व्यवसाय की प्रकृति अर्थात व्यवसाय कला और विज्ञान दोनों ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप इन क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, लर्न करिए, क्योंकि पेपर में आपके क्वेश्चन जो आंसर आएंगे वह इन्हीं के बेस पर आएंगे। थैंक यू।